जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में लेकर आए हैं यहाँ पर आपके लिए 25 दिसंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंची। अगर आप भी MPPSC और व्यापम से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए यहाँ पर लेकर आया है फ्री प्लान। जी हाँ, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अनअकैडमी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए इस सीरीज अनलॉक करने के लिए आपको सुमित जैन रेफरल कोड यूज अवश्य करना है। तो देखिए क्या है आपके फ्री प्लान में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर 500 प्लस लाइव क्लास है पर वीकली और यहाँ पर आपका डाउट क्लियर सेशन भी होता है। एमपी के टॉप एजुकेटर 50 टॉप एजुकेटर हैं जिनके माध्यम से आपको यहां पर डेली एंड वीकली लाइव मॉक टेस्ट होती हैं और उससे मॉक टेस्ट का आपका यहां पर एनालाइज भी बताया जाता है। और यहाँ पर MPPSC प्री, MP पुलिस और MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MP जेल प्रहरी और यहाँ पर आपका जो है चार परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही व्यापम संबंध किसी परीक्षा हो उन सभी की तैयारी यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए करवा रही है। और यहाँ पर फ्री लाइव कोच है 20,000 प्लस जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। और यहाँ पर एक आपकी T20 सीरीज होती है जिसमें 20 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में होते हैं। मंडे से सैटरडे 8 PM पर आपकी जो है सीरीज होती है T20 सीरीज जिसमें आपका एनालिसिस भी बताया जाता है। इसके बाद आपके यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर शुभम जी हैं, पवन जी हैं, अभिषेक जी हैं, ये जो है MP के टॉप एजुकेटर हैं जिनका अनुभव बहुत ही अच्छा है। जो 8 साल से यहाँ पर पवन जी हैं और 5 साल से अभिषेक जी हैं, 6 साल से शुभम गुप्ता जी आप जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे जो है MP के टॉप एजुकेटर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ADB ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है यह बताना है यहाँ पर। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि 2100 करोड़ रुपए आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। इसके तहत त्रिपुरा में अभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों, इन पर जाने वाले मार्ग और पर्यटक सुविधाओं को कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर उद्योग मंडल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है। तो किसने यह पदभार संभाल लिया है यह आपके लिए बताना है। चार विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने और आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि विनीत अग्रवाल आपका यहाँ पर सही आंसर है। विनीत अग्रवाल यहाँ पर देख लें, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक विनीत अग्रवाल ने उद्योग मंडल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। और एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के एक बयान में कहा है कि उन्होंने हीरा नंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरा नंदानी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है यह आपका क्वेश्चन नंबर तीन है। चार विकल्प हैं आपके सामने, आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि मार्च 2021 आपका सही आंसर है। मार्च 2021 भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी जो दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को एक जो है मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। व्यापारिक इकाइयों को कोविड-19 महामारी के कारण से पेश आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्रालय की पहले की घोषणा के अनुसार IBC कोड निलंबन 25 दिसंबर तक बढ़ाया गया था, लेकिन अब यह जो है मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा
पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और वह कौन सा देश है यह बताना है। तो आपका सही आंसर है वियतनाम। वियतनाम यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। हाल ही में भारत और वियतनाम ने अपनी आवासीय शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र जैसे 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इससे दोनों देशों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता विकसित होगी। भारत वियतनाम के बीच रक्षा और सुरक्षा साझेदारी भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। अगला क्वेश्चन है गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 10 जनवरी, 12 मार्च, 19 दिसंबर या आपका अगला विकल्प है 15 जुलाई। आपका सही आंसर यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि 19 दिसंबर आपका सही आंसर होगा। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत को यूं तो 1947 में ही आजादी मिल गई थी लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगाल अपना शासन जमाए बैठी थी। भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीप को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सेना द्वारा पुर्तगालियों के अधिकार से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 19 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है आपका विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है यानी कि 24 दिसंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है। हाँ जी बिल्कुल सही। हर साल जो है 24 दिसंबर को भारत में एक चयनित विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है जिसका उद्देश्य होता है उपभोक्ताओं को उनके महत्व, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है। तो भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक यानी कि भारत आपका यहाँ पर सही आंसर है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है और इस घोषणा के अनुसार DFC महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास का समर्थन करने के लिए NIIF जिसका मतलब होता है निवेश और अवसंरचना कोष के लिए इक्विटी में 54 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी। DFC का निवेश NIIF के मास्टर फंड के लिए फंड से जुटाने के अंतिम दौर का हिस्सा है। इस निवेश के साथ मास्टर फंड के लिए फंड से जुटाने का कार्य पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं कौन है। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो हैं यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और इन्होंने नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो आपका सही आंसर है राजस्थान यानी कि विकल्प नंबर आपके यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। राजस्थान आपके यहाँ पर सही आंसर है। देख लें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजना का यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस परियोजना में लगभग 1,127 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इस हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण में करीब 8,341 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। इससे पहले गडकरी जी ने जो है 21 दिसंबर को तेलंगाना को कुल 13,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना की सौगात दी थी। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 765.66 किलोमीटर है। यह आपका पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर बताया था। क्या था इसका सही आंसर? इसका सही आंसर था नील नदी। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जो नील नदी है यह संसार की सबसे लंबी नदी मानी जाती है नील नदी। आज का चैलेंज प्रश्न क्या है? तो आज का चैलेंज प्रश्न है आपका यहाँ पर कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
पहली बार गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत है अपने यहाँ का कौन सा है, वंदे मातरम। तो यह पहली बार किस वर्ष गाया गया था यह आपके लिए बताना है, कमेंट में आंसर लिखें, बेस्टर लिखें, आपका भी कमेंट जो है अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। क्या है इसका सही आंसर, 1896, 1905, 1930 या 1947। तो इस प्रकार चार विकल्प है, आंसर बनता है कमेंट में लिखें। और आज ही अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर लें, और यहाँ पर आपकी जो है लूसेंट सीरीज चल रही है, जिसमें आपके लिए शुभम गुप्ता जी हैं और पवन चौधरी जी के द्वारा आपके यहाँ पर जो है लूसेंट सीरीज आपकी यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर आपका जो है MPPSC T20 सीरीज है, जी हाँ MPPSC T20 सीरीज, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 मिनट में आपके क्वेश्चन होते हैं, पेपर का एनालिसिस भी बताया जाता है, और MP के टॉप एजुकेटर होते हैं इसमें, और आपकी 8:30 बजे रात 8:30 बजे आपकी T20 सीरीज होती है। यहाँ पर आपके जो है मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज है, और यहाँ पर आपकी जो है MPPSC प्री और MP जेल प्रहरी, MP पुलिस कांस्टेबल और MP सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर परीक्षा की जो तैयारी करवाई जा रही है, और पेपर एनालिसिस भी बताया जाता है आपका यहाँ पर। और यहाँ पर आप आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको यहाँ पर अनअकैडमी डाउनलोड करके यहाँ पर MPPSC सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको जो है अनलॉक सीरीज अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, सुमित जैन कोड आपके लिए दिख रहा होगा, सुमित जैन कोड यूज करें बिना स्पीच दिए, तो तभी आपकी जो है सीरीज अनलॉक हो जाएगी, और आप जो है जो फ्री क्लास है, लाइव क्लास है, इसका आप फायदा ले सकते हैं अनअकैडमी पर। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहीं पर आपके लिए PDF उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें PDF और स्टडी मटेरियल के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद, जय हिंद।